जय हिंद दोस्तों, झारखंड होम गार्ड को लेकर दो ब्रेकिंग न्यूज आ रही है जो कि इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को जानकारी देने वाला हूं। दोस्तों क्या है ब्रेकिंग न्यूज, क्या है खबर, जानने के लिए वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक वॉच करें। अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ भी शेयर कर दे, क्योंकि दोस्तों आप सभी के काफी झारखंड से मेरे पास कमेंट आता है, जो भी झारखंड के जिले हैं वहां से कमेंट आता है भर्ती को लेकर, ट्रेनिंग को लेकर, सैलरी को लेकर, तमाम जो भी आपका समस्या है उसको लेकर आप लोग कमेंट करते हैं। लेकिन दोस्तों मेरे पास जो भी लेटेस्ट अपडेट होता है तुरंत मैं बताने के लिए आ जाता हूं। तो दोस्तों दो खबर आ रही है, क्या खबर है, क्या अपडेट है, जानने के लिए सिर्फ वीडियो को देखते रहिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और सभी न्यूज सभी अपडेट के बारे में जानते हैं। दोस्तों यहां पर देखिए, आपको गूगल में टाइप करना है होमगार्ड। जैसे ही दोस्तों आप सर्च कीजिएगा कोई भी न्यूज, कोई भी खबर होमगार्ड से, तो इस प्रकार से सर्च करना है। उसके बाद समाचार वाले ऑप्शन पर दोस्तों सिंपल सा क्लिक कीजिएगा। यहां पर दोस्तों देख सकते हैं 2 घंटे पहले का खबर है, यहां पर 39 मिनट, यहां पर 3 घंटे, यहां पर 4 घंटे, इस प्रकार से दोस्तों तमाम आपको यहां पर होमगार्ड का खबर मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों हम झारखंड की बात कर रहे हैं तो झारखंड से ही खबर आपको मैं दिखाने वाला हूं। तो दोस्तों यहां पर नीचे आइएगा तो ई टीवी भारत द्वारा एक प्रकाशित किया गया खबर देख सकते हैं। दोस्तों आर्थिक तंगी में रिंग्स में जो होमगार्ड 400 जवान अभी ड्यूटी कर रहे हैं फिलहाल में, उन्हें 3 महीने से दोस्तों तनख्वाह नहीं मिला है, वेतन नहीं मिला है, जिसके कारण दोस्तों यहां पर इन लोग का ऐसा हाल हो गया है कि दूसरा जगह से पैसा उठा उठा के, जैसे सूदी पर पैसा या सूद मूर पर पैसा लिया जाता है, उस प्रकार से उठाकर ये लोग काम चला रहे हैं। तो दोस्तों देखिए सरकार किस प्रकार से और सरकार का क्या रवैया है, इन लोग दोस्तों सरकार के काम करते हैं लेकिन खाने के लिए दूसरे से पैसा मांगना पड़ रहा है। दोस्तों देख सकते हैं यह जो होमगार्ड के जवान है, यहाँ पर कुछ महिला है, कुछ यहाँ पर दोस्तों पुरुष है, आप लोग देख सकते हैं यह लोग रिम्स में ड्यूटी भी करते हैं, इन्हें आपको 3 महीने से वेतन नहीं मिला है, जो कि इन लोग का समस्या कोई सुनने वाला नहीं है। यहाँ पर दोस्तों वीडियो भी ओपन करके आप लोग देख सकते हैं और आप लोग यहाँ से जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। देख सकते हैं राजधानी में रांची रिम्स जो व्यवस्था और सब कुछ में, यहाँ पर दोस्तों आप लोग देख सकते हैं सब कुछ यहाँ पर सही ढंग से ड्यूटी करते हैं। इस बार राज्य के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल रिम्स में, यानी दोस्तों आप लोग जानते होंगे रिम्स रांची में है जहाँ पर ड्यूटी करते हैं, सुरक्षा संभाल रहे हैं 400 होमगार्ड जवानों की जुड़ी है। इनके पिछले 3 महीने से वेतन नहीं मिले हैं, वेतन नहीं मिलने की वजह से रिम्स अस्पताल में जो भी तैनात सुरक्षा कर्मी है सरकार के वेतन मांग को लेकर दोस्तों सोमवार को यहाँ पर देख सकते हैं होमगार्ड जवानों ने वेतन की मांग की, उन्हें सरकार की आग्रह किया है, उन्हें जल्दी से जल्द वेतन अंडित किया जाए ताकि वह अपने परिवार का खर्च वाहन कर सके। इसके दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन के महासचिव राजीव कुमार तिवारी ने बताया कि पिछले 3 महीने से वेतन नहीं दिया गया है, जबकि होमगार्ड जवान रिम्स में विभिन्न वार्ड, डॉक्टर, हाउसिंग कॉलोनी, होस्टल, रिम्स परिसर के विभिन्न जगहों पर सुरक्षा में तैनात रहते हैं। इसके अलावा वो अस्पताल में आने वाले मरीजों को मदद भी करते हैं लेकिन दोस्तों इन्हें नहीं मिलता है, इनके परिवार को जो गुजारा करना है दोस्तों आप लोग समझ सकते हैं। तो दोस्तों सरकार की इस प्रकार के रवैया है। चलिए एक और न्यूज है दोस्तों, उससे रूबरू कराते हैं, आपको जानना बेहद जरूरी है। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं एक आपको हिंदुस्तान द्वारा एक दिन पहले का खबर है, ये भी दोस्तों झारखंड से है, होमगार्ड बहाली के दौरान बेहोश होकर गिर पड़ी महिला। तो दोस्तों यहाँ पर सरकार की ही गलती है, क्योंकि 2-4 बार झारखंड में भी भर्ती निकाला गया, भर्ती कैंसिल किया गया, बहुत जगह से दोस्तों मेरे पास झारखंड के कमेंट आता है, जैसे कि रांची झारखंड धनबाद के अभ्यर्थी कमेंट करते हैं, सर मेरा सब कुछ हो गया है, हमको कब ट्रेनिंग में भेजा जाएगा। तो दोस्तों देखिए अब नए नए भर्ती होना स्टार्ट हो गया, सरकार क्या करेगी, आपको ट्रेनिंग में भेजेगी या नहीं मिलेगी भेजेगी, यह सरकार पर अब डिपेंड करता है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं जो यह महिला बेहोश होकर गिरी है, इसके मतलब समझ सकते हैं कि जो उस समय फर्स्ट में यह फॉर्म भरी होगी, इनका एज कम होगा, यानी सब कुछ फिट होगा, लेकिन यहाँ पर जो एज बढ़ जाता है तो दोस्तों अभ्यर्थी को दौड़ने में भी समस्या होती है, जिसके कारण ही एक अभ्यर्थी पहले भी आप लोग देखे होंगे, उनका मौत हो गया था, आप लोग को भर्ती हो रहा था मेदिनी नगर में, तो आप लोग वहाँ पर
देखे होंगे, उस खबर को पढ़े होंगे या मेरे वीडियो भी देखे होंगे तो आपको मालूम है। तो दोस्तों सरकार यहाँ पर क्या कर रही है आप लोग खुद समझ सकते हैं, और सरकार के भी यहाँ पर सोचना चाहिए कि अभ्यर्थी इतना मेहनत करके ट्रेनिंग के इंतजार कर रहे हैं, भर्ती के इंतजार कर रहे हैं, उन्हें सही से कुछ नहीं मिल रहा है। यहाँ पर दोस्तों भर्ती भी हो जाने पर आगे मैं जो आपको न्यूज़ दिखाया वहाँ पर पेमेंट भी सही से नहीं मिल पा रहा है। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं यह भी गढ़वा की खबर है और सरकार के क्या रवैया है। लेकिन हम सरकार से गुजारिश यही करते हैं, क्योंकि मैं भी एक अभ्यर्थी हूँ और अभ्यर्थी को सभी परेशानी को जानता हूँ, कि इनसे जल्द से जल्द जो भी अभ्यर्थी का ट्रेनिंग में भेजना है, जो भी अभ्यर्थी का पेमेंट रुका है वह करना चाहिए, नहीं तो इस अभ्यर्थी और कहाँ जाएंगे, किसके पास जाएंगे, क्योंकि राज्य की सभी अर्थव्यवस्था, आपको सुरक्षा के व्यवस्था सब कुछ यहाँ पर संभाल रहे हैं, सभी जगह ड्यूटी कर रहे हैं, तो इन्हें पेमेंट भी मिलना चाहिए और अभ्यर्थी जो सब कुछ निकाल के बैठे हैं उन्हें ज्वाइनिंग भी करना चाहिए। और दोस्तों आप लोग भी आवाज़ उठाते चाहिए, क्योंकि दोस्तों आपको हक है, आपको जो संविधान में लिखा है कि अभिव्यक्ति की आज़ादी, तो आप भी आवाज़ उठा सकते हैं। बिना आवाज उठाए आपको कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि आपका हक है, आप लोग सब कुछ किए हैं और बार बार आप लोग आवाज़ भी उठाते हैं लेकिन कोई सुनता नहीं है, इसके कारण यह सब हो रहा है। तो दोस्तों इसको लेकर आपका क्या राय है जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय हिंद, नमस्कार।